नंबर एक, चीनी राशि चक्र के अनुसार सुअर को भाग्य और खुशी का प्रतीक माना जाता है। फैक्ट नंबर टू, सुअर से हमें चमड़ा, गोंद, चर्बी, खाद, इंसुलिन और साथ ही साथ 40 तरह की दवाइयां प्राप्त होती है। फैक्ट नंबर थ्री, सुअर के बाल इतने टाइट होते हैं कि ज़्यादातर पेंट करने वाले ब्रूश सुअर के बाल से ही बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, इतिहासकारों के अनुसार सुअर को आज से लगभग 6000 साल पहले ही पालतू बनाया गया था। फैक्ट नंबर फाइव, सुअर पालने की सबसे पहली किताब 3468 ईसा पूर्व में चीन के सम्राट फू हाय द्वारा लिखी गई थी। फैक्ट नंबर सिक्स, सुअर 130 डेसिबल तक चिल्ला सकता है जो कि एक जेट इंजन के आवाज से भी कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर सेवन, सुअरों की सबसे ज्यादा आबादी चीन में रहती है और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। फैक्ट नंबर एट, सुअरों की एवरेज लाइफ लगभग 8 साल तक की मानी जाती है। फैक्ट नंबर नाइन, सुअरों के 44 दांत होते हैं। फैक्ट नंबर टेन, मादा सुअर का गर्भकाल 114 दिन का होता है और ये एक बार में 6 से 12 बच्चों को जन्म देती है। फैक्ट नंबर 11, डेनमार्क की जितनी कुल आबादी है उससे दोगुना ज़्यादा वहाँ पर सुअर रहते हैं। फैक्ट नंबर 12, इसराइल में यहूदी धर्म के अनुसार सुअर नहीं पाल सकते और फ्रांस में सुअर का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते। ये दोनों ही काम करना इन देशों में गैर कानूनी माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, एक मादा सुअरनी साल में 2 बार तक बच्चे पैदा कर सकती है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों सुअर के पास पसीना छोड़ने वाली ग्रंथि नहीं होती है, यही कारण है कि गर्मी के दिनों में शेर ज़्यादातर अपने आप को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में लोटपोट होते हैं। फैक्ट नंबर 15, सुअर किसी 3 साल के बच्चे और कुत्ते से ज़्यादा समझदार होता है। समझदारों की सूची में चिंपैंजी, डॉल्फिन और हाथी के बाद सुअर का स्थान आता है। आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि एक सुअर वीडियो गेम भी खेल सकता है।